जी क्या क्या नहीं कर रहे, बहनों का हक हड़प रहे हो। और एक नजरिया हमारे माशरे में ऐसा चल रहा है, आप जो है मस्जिद के नमाजी तो है, काबे के हाजी तो है, उम्रे पर उम्रे हो रहे हैं, हज पर हज हो रहे हैं, पांच नमाजों से पेशानी पर मस्से आ गए हैं, सखावतें कर रहे हैं, खैर खैरात कर रहे हैं, मदरसे को चंदा भी जा रहा, मदरसे को चंदा भी जा रहा, आप कंपनी चला रही, अपने नौकरों पर भी शफकत है, लेकिन अफसोस की बात है, मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों से सवाल कर रहा हूँ, मैं काबे को जाकर हज करने वालों से सवाल कर रहा हूँ, खैर खैरात ज़कात फितरा चंदा मदरसों को देने वालों से सवाल कर रहा हूँ, क्या बताओ तुमने अपनी बहनों का हक अदा कर दिया? बहनों का हक, जो घर में जो बहन की विरासत होती है, आज भाई जो है बहनों की विरासत को खा रहे हैं। बताइए आप, बहन का हक मार कर तुम हज कर रहे हो, बहनों का हिस्सा खाकर तुम नमाज पढ़ रहे हो, पंच वक्ता नमाजी, ये नमाजें कपड़े में लिपेट कर तुम्हारे मुंह पर मार दी जाएगी। ऐसे हज नहीं, तुम्हारा चक्कर है, तुम जहनी मरीज हो चुके हो। पहला हक क्या है? अपनी बहनों को विरासत में से हक दो। लेकिन आज क्या कहा जाता है, अगर बहन आती है घर पर, भाई मेरा हक दीजिए, मेरे वालिद की प्रॉपर्टी में से, मेरे वालिद की विरासत में से मेरा हक मुझे दीजिए, तो यही कहा जाता है कि अम्मा हमने आपकी शादी कर दी, बड़ी शादी कर दी, इतना आपको जोड़े की रकम दे दिए, इतना बड़ा फंक्शन हॉल लिए थे, अब बाबा की ज़मीन में, बाबा के घर में तुम्हारा हिस्सा नहीं है। लानत है ऐसे नज़रिए पर, लानत है ऐसे अकीदे पर, लानत है ऐसे लोगों पर जो अपनी बहनों का हक मार कर खा रहे हैं। अगर चाहते हो कि मैदान महशर में अल्लाह की रहमतें तुम पर नाजिल हो, तो अपनी बहनों का हक अदा करो, अपनी बहनों का हक अदा करो। जमीनों के वास्ते मत लड़ो, प्रॉपर्टी के वास्ते भाइयों के साथ मत लड़ो, कोर्ट कचहरी में मत जाओ। क्यों? अगर किसी की एक गज जमीन तुम दुनिया में हड़प लेते हो, अगर किसी की एक गज जमीन तुम दुनिया में कब्जा कर लेते हो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैदान महशर में वैसी 70 जमीनों का बोझ तुमको उठाना पड़ेगा, वैसी 70 जमीनों का बोझ तुमको उठाना पड़ेगा। क्या तुम में ताकत है? अरे तुमने करों की जमीनों के हक मार लिए है, तुमने हजारों गज जमीनों का हक मार लिया है, उसके बाद तुम नमाजी भी हो, तुम हाजी भी हो, तुम उमरा भी करते हो, तुम ज़कात भी देते हो, ये आमाल किस काम के जब तुम अल्लाह के बंदों का हक पूरा नहीं कर सकते, अल्लाह के बंदों का हक तुम अदा नहीं कर सकते। आज बड़ा ताज्जुब हो रहा है हमारे माशरे पर, आज हमारी जिंदगियां कहां पर चली गई।